Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, Conservation of Natural Resources and today is its fourth lecture. So my dear students, <coughs> let's quickly have a look at what we are going to study today. आप लोगों को पता है कि एनिमल्स जो है वो नेचुरल रिसोर्स है हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि आर आर डिफरेंट नेचुरल नेचुरल लाइक एयर वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्स और हमने ये भी पढ़ा कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट को और नेचुरल रिसोर्सिस को जो है वो उनके ऊपर काफी गहरा असर छोड़ रही हैं तो क्या आपको लगता है कि एनिमल्स के ऊपर इंसानों का कोई असरअंदाज हो रहे हैं किसी तरीके से आर वी इफेक्टिंग इन एनी काइंड टू एनिमल्स ऑल्सो ऑफकोर्स यस जैसे कि एनिमल्स uh, जो है ये सारे नेचुरल रिसोर्स है डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिस्टर्बिंग दिन जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो एनिमल्स के हैबिटैट को यानी नेचुरल होम को बहुत ही बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही है किस तरीके से लेट्स हैव अ लुक फॉर एग्जांपल पोल्यूशन पोल्यूशन की वजह से बहुत से जो एनिमल्स हैं दे डायर वॉटर एनिमल्स जो हैं उनकी लाइफ को थ्रेट है सिमिलरली uh, जब हम उनके हैबिटेट को फॉरेस्ट को हम डिफोरेस्टेशन कॉज करते हैं ट्रीज कट डाउन करते हैं तो दे आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सो मैनी एनिमल सिमिलरली हंटिंग द एनिमल्स दे आर ऑल्सो थ्रेट टू डिफरेंट एनिमल्स

So let's quickly look at the to, uh, let's quickly look at today's student learning outcome given on page number twenty seven. Uh, uh, today, all the students will be able to identify the endangered animals of Pakistan like Indus Dolphin, Markhor, Black Buck, etc. So today, you will identify endangered animals. Why they are endangered. What are the uh, different factors involved that life their life? Is a threat? सो माई डियर स्टूडेंट्स और यू वालसो सजेस्ट वे इज टू प्रोटेक्ट देंजर्ड एनिमल्स और आप आज इस काबिल हो जाएंगे कि आप वो तरीके बता सकें कि कैसे हम इन जानवरों की जिंदगी को बचा सकते हैं और इनको एक्सटेंक होने से या खत्म होने से बचा सकते हैं इट इज हीज अपॉइंटेड यू वॉइस इन द अर्थ दैट ही मे ट्राई यू इन वट ही यू सो माई डियर स्टूडेंट्स अल्लाह तला ने इंसान को जमीन में अपना खलीफा बनाकर भेजा है और एक का मरतबा दूसरे पर बढ़ाया ताकि तुमको आजमाए इन चीज़ों में जो तुमको दी है सो अल्लाह तला ने जो हमें बेशुमार नीमते दी हैं अल्लाह तला से हमें उनके ऊपर हमें आजमाता भी है तो ये जो तमाम नेशनल रिसोर्सेज है हमें इनका ख्याल रखना चाहिए सो माई डियर स्टूडेंट्स क्विकली आंसर फ्यू क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू वर्ड्स रीडिंग वट डू वी गेट फ्राम एनिमल्स हम जानवरों से क्या हासिल करते हैं मल्टीपल चीजें आप हासिल करते हैं जैसे कि uh, गोश्त हासिल करते हैं हम दूध हासिल करते हैं अंडे हासिल करते हैं इनकी स्किन को यूज किया जाता है सो देर आर मल्टीपल वेज इन गेटिंग बेनिफिट्स फ्राम एनिमल्स वी आप, आप जानवरों की बात ना भी करें अगर आप किसी का भी नेचुरल होम हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दें uh, तो क्या होगा Obviously, उनकी लाइफ को थ्रेट होगा उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि घर में आप अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं आपको आपके घर में वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिनकी वजह से आप एक आरामदेह जिंदगी गुजारते हैं आप जिंदा रहते हैं सो so, सिमिलरली अगर एनिमल्स के घर को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा उसको तबाह कर दिया जाएगा या खराब कर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ जो है उसको थ्रेट होगा उसको खतरा होगा So, my dear students, now quickly open page number 31 in your books. I hope everybody has opened page number 31 in their books. So, my dear students, today we will discuss about endangered animals. So, first of all, you will put your fingers where I will read and we will start the reading. Endangered animals of Pakistan. The animals which are at risk of extinction. जर्ड एनिमल्सूड so ऐसे जानवर जिनकी जिंदगी को खतरा है उनकी लाइफ रिस्क पे है और वो इस करीब है और उनकी तादाद एक्सटेंट हो जाएंगे एक्सटेंट का मतलब है कि उसके बाद आपको वो जानवर दुनिया में नजर नहीं आएगा ठीक है यानी कि वो खत्म हो जाएंगे द, जमीन में से देर आर एंड एनिमल्स इन पाकिस्तान

Now quickly open page page number number in in your books. I hope everybody has opened So So my dear students, endangered animal Pakistan Pakistan which are at risk of extinction. खतरा लाहक है और उनकी तादाद बहुत कम रह चुकी है चले हम उनको देखते हैं सबसे पहले पिक्चर्स में नंबर वन इज मारखोर इट इज on दैट hilly ऑन माउंटेन हिली एरिया बहुत ही बड़ी Uh, बकरी की तरह का एक जानवर है और ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है uh, इसकी तादाद बहुत कम रह चुकी है इट इज इंडेंजर्ड माउंटेन वीजल दैट बाय इट्स नेम कि ये भी uh, जो है इंडेंजर्ड है और ये पहाड़ों में रहता है देन एशियन ब्लैक बियर इट इज ऑल्सो इनडेंजर्ड बलोचिस्तान फॉरस्ट माउस इट इज ऑल्सो इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन इसकी तादाद बहुत कम रह चुकी है इट इज हाईलीजर्ड ब्रांडेड ईगल रे ये पानी में अंडर वाटर एनिमल है और ये भी जो है बहुत कम इनकी तादाद चुकी है दे आर देन ब्लैक ये <coughs> काला हिरन होता है बहुत रेयर एनिमल है ये पाकिस्तान में पाया जाता है और इसकी तादाद भी बहुत कम रह गई है देन मार्कोपोलो शीप ये पहाड़ों में जो है भेड़े रहती हैं और इनके बहुत खूबसूरत सींग होते हैं और इनके पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं ये भी जो है खतरे में है देन स्नो लेपर्ड

to protect endangered animals such as stop illegal hunting of endangered animals sabse pehle to hunting ko rokna chahiye illegal hunting ko um taaki in janwaron ki zindagi ko bachaya jaye restore the destructed destructed habitats of endangered animals sabse pehle jo unka natural habitat hai hame usko restore karna chahiye reduce the threats to wildlife by human activities सबसे ज़्यादा जो तो human activities है that is a threat to uh, a lot of animals तो so, हमें चाहिए कि हम आ, 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 अपनी एक्टिविटीज को जो है वो कम करें और नेचुरल हैबिटेट को बचाएं। टू एनिमल्स एट एनी कॉस्ट हमें ऐसी लॉज को इन्फोर्स करना चाहिए ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिनकी वजह से हम खतरे में जो जानवर है उनको बचा सकें फोकस ऑन द ब्रीडिंग ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स हमें इनको दोबारा जो है इनकी ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि नए जानवर जो है वो पैदा हों और इस तरीके से जो है इनकी जो तादाद है वो बढ़ती जाए इनहस द नॉलेज एंड अवेयरनेस लोकल पीपल एंड कम्युनिटी लेवल सो माई डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो भी हमें उजागर करनी चाहिए कि क्या कैसे जो ये जानवर है अगर ये खत्म हो जाएंगे तो हम बड़ी रेयर स्पीशीज जो है उनको लॉस्ट कर देंगे और इस तरीके से नेचुरल जो एनवायरमेंट है Uh, दुनिया का वो भी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है तो हमें चाहिए कि हम एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाएं और लोगों में अवेयरनेस भी स्प्रेड करें नाउ द टिबिट्स लेट्स हैव अ लुक द मेन रीजन दैट दीस एनिमल्स बिकेम एंडेंजर्ड इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज तो अ uh, क्यों ये जानवर जो है एंडेंजर्ड है इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारा हमारी एक्टिविटीज है ह्यूमन एक्टिविटीज है बेसिकली ये इन जानवरों को खतरे में डालती हैं क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से बहुत से जानवरों का जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है टाइम फॉर प्रैक्टिस यू कैन सिंपली डाउनलोड वर्कशीट नंबर फोर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो कैन गेट इट इन प्रिंट फॉर्म बाय टीचर राइट डाउन योर नेम एंड एनिमल

endangered animals. Animals which are at the risk of extinction are called endangered animals. Suggest some ways to protect endangered animals. Abhi humne se ways jo hai, wo, uh, uh, suggest kiye animals ko protect karne ke Cause awareness, provide natural habitat, stop illegal hunting. So these are some ways to protect endangered animals. Name some endangered animals in Pakistan. Indestructible dolphin um, and uh, some other animals like Marhor,

very good carbon dioxide so you will write here carbon dioxide similarly national animal of pakistan is dash which is endangered now marhor dash is the direct cause of less rainfall leading towards dryness of rivers yes very good se deforestation very good the continuous increase in dash uh, uh, the continuous increase in dash results in the construction of new houses markets and factories uh, population uh, poor drainage system is the type is a type of water pollution so this is how you will complete this <coughs> these fill in the blanks now is the time for evaluation given on page number 35 quickly name some endangered animal Marhor mountain weasel, Indus-driven dolphin, Dormouse, Balochistan Dormouse, these are all endangered animals. How can we protect endangered animals? Stop illegal hunting, restore natural habitat, spread awareness, very nice. And we can breed even these uh, animals, focus on their breeding so that new animals were born, and this will increase their count. So, my dear students, sir, quickly note down your homework. For your homework, independent activity number three is given on page number 33. Search for endangered animals of the world. Abhi humne Pakistan ki discuss ki now you will discuss about the world's endangered animal and make a list along with their picture in your scrapbook. So, my dear students, collect some endangered animals of the world with their pictures, list them down and paste their pictures in your in your scrapbook. So for that, you can go to this link. क्लिक ऑन एट और उसके बाद आप इधर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी पूरी दुनिया में जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं आपको उनकी लिस्ट जो है वो इस साइट पर शो होगी यू कैन सिंपली नोट डाउन द साइट एंड यू कैन चेक द लिस्ट फ्रॉम देयर सर्च फॉर द पिक्चर्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप वर्क दिस इज योर होम एंड नाउ इज द टाइम फॉर रैप अप माई डियर स्टूडेंट्स सो वी शुड ट्राई टू सेव इंडेंजर्ड एनिमल्स हमें चाहिए कि हमें जिन जानवरों को खतरा है हम उनकी जिंदगी को बचाएं So now I hope you uh, everyone understands about the endangered animals and now you can even predict the ways by which we can save these animals. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.